Dear students, welcome back to my YouTube channel and this is your English teacher Vijay. Today I am going to teach you the third lesson of your Vistas book of class 12th NCERT CBSE named Journey to the End of the Earth. This story is really difficult to explain through the video. But I'm trying to explain और please आप इसको समझने की कोशिश करना. बहुत short में बताऊँगा लेकिन ये बहुत लंबी एक journey है from Madras to Antarctica. और Antarctica आप जानते हैं एक continent है, एक महाद्वीप है. कहाँ पर ये situated है वो मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको explain कर देता हूँ what is the meaning of the chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर यही देखेंगे. देखिए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी के अंतिम सिरे की यात्रा. जर्नी को यात्रा कहते हैं और एंड ऑफ द अर्थ मतलब यानी पृथ्वी के अंत, यानी पृथ्वी का अंत का मतलब पृथ्वी का समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मीन्स इसके हम जो है मैप के थ्रू आपको बता देता हूँ कि किस तरह से है, ठीक है. और ये जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है ये लिखा हुआ है तिसानी दोसी ने. किसने लिखा हुआ है? तिसानी दोसी. साथ ही साथ बिफोर यू रीड में इन्होंने जो लिखा है इसको भी जूम करके मैं आपको स्पीड में बता देता हूँ, ठीक है. आप स्टोरी को अच्छे से समझने की कोशिश करना शॉर्ट में. लॉन्ग में मैं स्कूल में जब स्कूल रीओपन होंगे तो डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अगर आप प्लैनेट्स के, यानी यहाँ पर प्लैनेट्स लिखा हुआ, प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, ठीक है. ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, यानी अगर आप ग्रहों के बारे में उनके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो. तो अंटार्कटिका वो स्थान है जहाँ के आप, जहाँ जाके आपको इनके बारे में, इनके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानकारी मिल सकती है और मिलेगी. और यहाँ पर लिखा है बोन वियोज, इसका मतलब है आपकी यात्रा शुभ हो या फिर मंगलमय हो, ठीक है. तो यहाँ पर एक जो स्टोरी है इसमें थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ. अर्ली दिस ईयर, एक्चुअली तिसानी दोसी जो हमारी राइटर है इस चैप्टर की, यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था तिसानी दोसी यही यात्रा करती हैं कुछ बच्चों को लेके, कुछ लोगों को लेके, ठीक है. और ये यात्रा का ही पूरा इंसिडेंट इसमें शेयर किया गया है कि क्या क्या यात्रा के दौरान ये लोग देखते हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्ली, थोड़ा मार्क ज़्यादा लॉन्ग हो गया, यहाँ से देखिए. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ एबॉर्ड रशियन रिसर्च वेसल, यानी इन्होंने जो है इस साल के प्रारंभ में रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम अकादमिक सोकल्सकी है उसमें बैठकर, यानी ये इनका वो साधन है जिसमें बैठ के ये लोग जो है कहाँ गए थे? अंटार्कटिका गए थे. अकादमिक सोकल्सकी, इसको आप ढंग से याद रखिएगा, जो जिसको कि रशियन रिसर्च वेसल कहा गया है. वैसे नॉर्मली जो वेसल है इसका मतलब बर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक यान समझ लीजिए, यानों में बैठ के जाते हैं ना इसी जर्नी पर, तो जिसमें कि इनका पूरा रिसर्च से रिलेटेड जो सामग्री होगी वो भी उसमें रखी होगी, ठीक है. और ये लोग कहाँ को जा रहे हैं ये भी यहाँ लिखा हुआ है. हीडिंग मतलब आगे की तरफ बढ़ना, टू ओर मतलब की ओर, हीडिंग मीन्स बढ़ना आगे की तरफ और यहाँ पर की ओर. द कोल्डेस्ट यानी जो ठंडा प्लेस है, ड्राइस्ट यानी शुष्क और विंडेस्ट यानी जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं उस कॉन्टिनेंट की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं अपने रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम अकादमिक सोकल्सकी है उससे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ठंडी जगह, काफ़ी शुष्क जगह और काफ़ी ठंडी हवा वाली जगह, यानी जो कि एक कंटिनेंट है. कंटिनेंट मतलब महाद्वीप है इन द वर्ल्ड, यानी संसार का सबसे ठंडा, शुष्क और जहाँ बहुत ठंडी हवाएँ चलती हैं उस एरिया में ये बढ़ रहे हैं जिसका नाम है अंटार्कटिका. तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा, यहाँ पर बता रही माई जर्नी बिगेन 1903 डिग्रीज नॉर्थ, यानी नॉर्थ से. देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी अंटार्कटिका जो है वो नीचे है, तो ठीक है, तो ये लोग ऊपर से नीचे साउथ की तरफ आ रहे हैं, हालांकि नॉर्थ से इन्होंने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया है, ठीक है. इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा. भूमध्य रेखा से यानी नॉर्थ एरिया से ये लोग मद्रास से, एक्चुअली उस प्लेस का नाम भी दिया हुआ है मद्रास, जिसका वर्तमान में नाम चेन्नई है, तो मद्रास से इन्होंने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया. एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, तो इस दौरान इन्होंने 9 टाइम जोन्स पार किए हैं, यानी अलग अलग समय अंतराल, यानी आप जानते हैं जैसे हम लोगों के यहाँ अगर इस वक्त 12 बजे हैं, आपने सुना होगा कि अमेरिका में कोई और टाइम चल रहा है, ठीक है, ऐसी दक्षिण कोरिया में कोई और टाइम चल रहा है, तो उसी तरह से इन्होंने 9 टाइम जोन्स पार किए हैं, 6 चेक पॉइंट्स पार किए हैं, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर पार किए हैं, एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और साथ ही साथ बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल वगैरह भी इन्होंने पार किए हैं, ठीक है. तो यानी इस यात्रा को करते वक्त इन्होंने 9, ये याद रखिएगा, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स. चेक पॉइंट यानी बॉर्डर आते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी विक्योरिटी होती है ना हर क्षेत्र की अपनी अपनी, तो चेक पॉइंट्स पार किए. 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर का मतलब समुद्री मार्ग, 3 बड़े बड़े समुद्री मार्ग भी इन्होंने पार किए और बहुत सारे इकोस्फीयर भी, ठीक है. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर बताई गई है जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट आई हैड बीन ट्रेवल ओवर 100 आवर. टोटल यात्रा इनके अंटार्कटिका तक, यानी मद्रास से अंटार्कटिका पहुँचने में 100 घंटे की यात्रा रही थी, जिसमें कि कॉम्बिनेशन था किन किन चीज़ों का जिसके थ्रू ये गए थे,
कॉम्बिनेशन ऑफ कार, कार से भी गए थे क्योंकि कहीं कहीं पर जहाँ ज़मीनी रास्ता है वहाँ कार से, एरोप्लेन जहाँ हवाई रास्ता है, और शिप बोट लेके भी ये लोग गए हुए थे, ठीक है। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो जितनी भी इनकी 100 घंटे की यात्रा की थकान है, ये वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ इनको दिखती है वाइट लैंडस्केप, क्योंकि अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। पूरी ज़मीन वहाँ पर जो है वो पूरी आइस से भरी हुई है। इसको देख कर इन लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग आती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। जितना भी वहाँ का लैंड मास है, जितनी भी भूमि है, वो पूरी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई होती है, एंड दे फील वेरी 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 ऑसम। सो लेट्स बिगन। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ शुरू करके बता रहा हूँ कि मैप के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज दे दूँ कि अंटार्कटिका एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ पर है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए किस तरह से सिचुएटेड है, मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ। तो देखिए बच्चे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है मैप, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से ये हाइड हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए ये आपका पूरा वर्ल्ड का मैप है, पूरे संसार का मैप है, जो आपको नीचे ये वाइट दिख रहा है। देखो साइन कर रहा हूँ मैं, आप इसी ओर ध्यान दें। इस वाइट पे अंटार्कटिका लिखा हुआ भी है, आपको दिख भी दे रहा होगा। यहाँ पर देखो अंटार्कटिका लिखा है, तो ये जो वाइटनिंग वाला प्लेस है पूरा नीचे नीचे नीचे, ये है अंटार्कटिका, ठीक है। और इन लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी इस पॉइंट से। देखिए भारत के सबसे ये नीचे, श्रीलंका से थोड़ा ऊपर ऊपर साइड पर एक जगह पर, भारत के जो भारत जो है उसका ये वाला जो प्लेस है, यहाँ मद्रास है, तो मद्रास से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की होगी और घूम फिर के न जाने कहाँ कहाँ के रास्ते से ये अंटार्कटिका पहुँचे होंगे, जहाँ पर पहुँचने में इनको क्या लगे थे, 100 आवर्स लगे थे, यानी 100 घंटे यहाँ पहुँचने में लगे थे। और आपको पता है कि बीच में पूरा वाटर वाटर है, यानी यहाँ शिप की भी नीड पड़ी होगी कहीं कहीं, और कहीं कहीं पड़ी होगी जहाँ पर इन्होंने जो है एरोप्लेन वगैरह लिया था। तो वर्ल्ड मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया के जो इस लाइन पर मैंने आपको बताया था, इस जगह पर मद्रास है इंडिया के यहाँ इस भाग पर, तो यहाँ से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की होगी। अब ये तो शेयर नहीं किया कि किस मार्ग से आए, लेकिन ये ज़रूर किया कि 100 घंटे की यात्रा थी। तो आपको पता है कि रास्ते डायरेक्ट नीचे को नहीं होते, रास्ते हमेशा घुमा फिरा के होते हैं। तो इसी तरह से ये लोग फाइनली जो है कहाँ पहुँचे, ये जो है अंटार्कटिका, जो डाउन साइड में आपको अंटार्कटिका दिख रहा है, ठीक है। तो अब स्टोरी की तरफ चलते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर ये लोग गए किस लिए गए, इनकी जर्नी का रीज़न क्या था और क्या चीज़ें इन्हें यहाँ से हासिल हुई। और शुरू में ही बता रहे कि अगर आपको प्लैनेट्स के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जानने हैं तो अंटार्कटिका ही वो प्लेस है जहाँ पर आपको इनके भविष्य भूत और वर्तमान के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कई सारे साक्ष्य पाए गए हैं जिनके थ्रू आप पृथ्वी वगैरह के भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखने वाली है। ये तो आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो है वो स्टोरी का नेम हो गया। तिसानी दोषी जो है इसकी राइटर हैं और यही गई थी उस जर्नी पे, इन्हीं की जर्नी की बात है, ठीक है। जिसमें गए थे वो था रशियन रिसर्च वेसल जिसका नाम अकादमिक सोकल्स्की था। और अंटार्कटिका जो है वो कैसा कंटिनेंट है, कंटिनेंट मतलब महाद्वीप होता है, आप वर्ड मीनिंग जरूर लिख लें। कोल्डेस्ट यानी एकदम ठंडा, ड्राइस्ट शुष्क, विंडेस्ट आप जानते हो ठंडी हवा जो जहाँ चलती है, ठीक है। और जर्नी का जो शुभारंभ है इन्होंने मद्रास से किया था और यहाँ लिखा है इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रैवलिंग टोटल 100 आवर्स की थी, 100 घंटे की यात्रा थी, कॉम्बिनेशन कार एरोप्लेन और शिप का था, ठीक है। और जब वहाँ पहुँचे तो एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप थी, पूरा जो भूमि थी वो पूरी बर्फ़ से भरी हुई थी और काफ़ी रिलीफ इनको वहाँ पे महसूस हुआ। सेकंड पार्ट में जिक्र किया गया है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझना क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इस तरह से उसमें अलग अलग आर्टिकल टाइप से बने हुए हैं और डिस्कशन किया गया है। 650 मिलियन ईयर एगो यानी 650 मिलियन ईयर एगो जो है एक जायंट साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब महान महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना बताया गया है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको मैप में फिर से ले चलता हूँ। तो देखिए बताया जाता है कि जब ह्यूमंस अर्थ पर नहीं आए थे उस वक्त जितने भी आपको आज ये टूटे फूटे से देखे सब इधर उधर बिखरे से दिख रहे हैं ना, तो उस वक्त जो है जो मैप है उसकी कंडीशन ये थी, बल्कि ये सारे जो थे एक दूसरे से सटे हुए थे, जॉइंट थे, ठीक है। तो उस वक्त बताते हैं कि जो हमारा यहाँ अंटार्कटिका है और जो ये इंडिया वगैरह ये सब प्लेसेस हैं बीच में, तो जो अंटार्कटिका है और इंडिया जो है इनके बीच में इस प्लेस पर एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप पाया जाता था उस वक्त जब पृथ्वी पर मनुष्य नहीं थे। इसके इन्होंने बाद में साक्ष्य पाए थे, कुछ सबूत कुछ क्लूज पाए थे जिसके थ्रू इन्होंने इसमें बोला है। तो यहाँ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, देखिए कहाँ पर, यानी अंटार्कटिका और ये जो कंट्रीज़ के मैप हैं इनके बीच में, ठीक है। यहाँ कहीं एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गोंडवाना। तो आप इसको याद रखना, ठीक है।
बताते कि उस वक्त ये विकसित हुआ करता था, यहाँ पर जो है मैमल्स वगैरह रहते थे, स्तनधारी जानवर वगैरह रहते थे, ठीक है। और उस वक्त यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी अलग थी, उस वक्त बहुत अलग अलग से यहाँ जानवर वगैरह रहते थे, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस उस वक्त नहीं आए हुए थे, और साथ ही साथ यहाँ की पाई जाने वाली विभिन्न जो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं वो भी भिन्न थी वर्तमान से, क्योंकि उस वक्त ह्यूमन तो थे नहीं, तो जो चीज़ था पूरा जंगल खलियान, खेत खलियान ऐसी थे। तो बताते हैं कि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और साथ ही साथ बताते हैं कि उसके बाद तो ह्यूमन आए, ह्यूमन ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि अभी वर्तमान में गोंडवाना जो है उस महाद्वीप का नामो निशान नहीं है। वर्ल्ड के मैप में आज की डेट पर गोंडवाना आपने कभी भी सुना भी नहीं होगा, ना आप फ्यूचर में सुनेंगे, लेकिन सिर्फ इतना सुनेंगे कि एक समय में गोंडवाना जो है एक प्लेस एग्जिस्ट था इस मैप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात बताई गई है कि यहाँ आपके लेसन में बताया गया कि कितना ज़बरदस्त सीन होगा वो, जब ये जो है देखिए मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। बुक बताता है कि कैसा अजीब सा मूवमेंट होगा जब ये देखिए सारे इधर को आ गए, कोई ऊपर को चला गया, कोई नीचे को आ गया, किसी से इतनी डिस्टेंस हो गई। तो ये सब देखना, ये सब कितना इनके बारे में अगर सोचा जाता है कि किस प्रकार से ये प्लेसेस जो हैं अपनी जगह से खिसक गए, और बीच में आप देख रहे हो कि जल वगैरह भी है, इसमें कई सारे रीज़न होंगे, भूकंप आना, भूस्खलन होना, आप जानते हैं भूस्खलन ही भूकंप एक्चुअली, ज्वालामुखी वगैरह जो भी जो प्राकृतिक जो हैं आपदाएँ, डिजास्टर जो हैं वो आते हैं, तो उस उनके कारण जो भी स्थिति हुई होगी इनके बारे में सोच के आज भी दिमाग जो है घूमता है, ऐसा इसके बारे में बताया हुआ है। क्योंकि आपको शुरू में ही मैंने अभी बताया, देखिए फिर से मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वो है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, क्या है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी यहाँ लिखा हुआ है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, यानी इतिहास का एक पार्ट बताया था हमें। तो गोंडवाना हुआ करता था लेकिन वर्तमान में अब वो नहीं है, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा विकसित था, विकसित का मतलब वहाँ बहुत सारे, अब तो उसका नामो निशान नहीं है लेकिन अब वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि ह्यूमन्स जब से पृथ्वी पर आए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी, क्योंकि ह्यूमन ने बहुत सारा डेवलपमेंट किया। तो तिसानी दोषी उसके बाद बताती हैं कि वो एक साउथ इंडियन गर्ल है जो कि सन वर्शिपिंग होते हैं, यानी सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका के बारे में इस लेसन में बताया गया है कि वहाँ पर वर्ष के 6 महीने जो है धूप रहती है, और 6 महीने लगातार बर्फ़ पड़ते रहती है, तो कितना ठंडा प्लेस होगा, और साथ ही साथ सूरज के दर्शन भी इनको नहीं हो पाए होंगे, यानी नहीं हुए, क्योंकि उस दौरान जो है ये ऐसे समय में गए थे जब सिर्फ बर्फ़ पड़ती है, जिस टाइम पे वहाँ धूप नहीं आती है। बताते हैं कि कितना मुश्किल थे इनके वो 2 वीक्स, 2 हफ्ते जो इन्होंने यहाँ गुजारे थे, और 90% अर्थ टोटल आइस थी, यानी पूरी बर्फ ही बर्फ थी, 90% जो ज़मीन है, ठीक है, अर्थ जो है। अतः बताते हैं कि एट अंटार्कटिका हैज़ अ नो ह्यूमन मार्क्स, अंटार्कटिका में किसी भी प्रकार से ह्यूमन के कोई भी क्लूज़ नहीं है, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कोई मार्क, कोई निशान नहीं मिलता कि कभी वहाँ ह्यूमन रहे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ही रिसर्च करने गए हैं, तो वहाँ जाके इन्होंने देखा होगा, वहाँ की कंडीशंस को ऑब्जर्व किया होगा, उसके थ्रू ये चीज़ें बोल रहे हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझना जल्दी जल्दी से, ठीक है। यू कैन ओनली सी आइसबर्ग, वेल्स, मिड्स एंड माइट, आगे बता रहे हैं कि आप वहाँ सिर्फ आइसबर्ग देख सकते हैं, आइसबर्ग मतलब बड़े बड़े जो है आइस के चट्टान, यानी बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान जो नीचे गिर रहे हैं, और धीरे धीरे इन्होंने ये भी देखा कि वहाँ चट्टानें जो है धीरे धीरे पिघल रही हैं, बर्फ़ का जो स्तर है वो कम हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस ने, जैसे आप जानते हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो पोल्यूशन वगैरह फैलाया है, उसका कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट अंटार्कटिका में आया है। और आप खुद ही सोचिए, जो अंटार्कटिका इतना ऊपर हुआ करता था, आज जो विश्व के मानचित्र में वो एकदम डाउन साइड पे है, तो कुछ ना कुछ रीज़न उसके पीछे ज़रूर होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखिए मिड्स एंड माइट जो लिखा है, यानी कीड़े मकोड़े, वहाँ कुछ कुछ आपको कीड़े मकोड़े देखेंगे जो कि यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि वहाँ की प्रकृति के हिसाब से वहीं के जैसे कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक बताया ह्यूमन इम्पैक्ट, यानी मानव प्रभाव, इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव। देखिए यहाँ बताया गया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता इसका मतलब हैव बीन अराउंड 12 ईयर, यानी लगभग 12,000 साल पहले जो है मानव यहाँ पर सिविलाइज्ड हुआ है, ठीक है, मानव सभ्यता आई है पृथ्वी पर। और जब ये आए तो हालांकि जियोलॉजिकल क्लॉक में ये ज़्यादा समय नहीं है, जियोलॉजिकल क्लॉक होती है, एक जियोलॉजिकल क्लॉक में लगभग आप ये समझ लो कि ये कुछ सेकंड के बराबर है, 12,000 साल भी कुछ सेकंड के बराबर है, ठीक है। अब ये जियोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है ये आप अपने ज्योग्राफी टीचर से पूछ सकते हैं, वैसे इस क्लास में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए विलेजेस, टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़ जो है, क्या कि ह्यूमन जब आए उन्होंने डेवलपमेंट किया, उन्होंने गांव बनाए, नगर बनाए, शहर बनाए और महानगर बनाए। उसके बाद जब ये बनाए तो उन्होंने अपने आने जाने के साधन भी बनाए, जिसकी वजह से क्या है बर्निंग द फॉसिल फ्यूल, उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग फ्यूल का इस्तेमाल करने लगे, ईंधन का इस्तेमाल करने लगे, आपको पता है जैसे पेट्रोल वगैरह, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, क्रिएट अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या है पूरे पृथ्वी में, पूरे वायुमंडल में, ठीक है,
अर्थ की जितना भी एरिया आता है उन सभी में एक ब्लैंकेट बन गई, एक चादर बन गई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ब्लैंकेट मीन्स चादर होता है, सम टाइम इसको आप कंबल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वातावरण में एक क्या बन गया, एक ब्लैंकेट बन गई अराउंड द अर्थ, ठीक है, अराउंड के चारों, मतलब अर्थ के चारों तरफ। इट इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन ने डेवलपमेंट तो किया, लेकिन डेवलपमेंट के साथ ही कुछ हार्मफुल जो थिंग्स हैं वो भी डेवलप हुई, जैसे कि आज ईंधन वगैरह, फ्रिज, AC, आप जानते हैं, इनसे निकलने वाले रेडिएशन कहीं ना कहीं वातावरण को जो है प्रभावित करता है, इफेक्टेड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया है, क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ टाइम। अभी बताते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो आप देखते हो मौसम परिवर्तन जो है, वो वर्तमान समय में इन्वायरमेंटल डिबेट, ये जो लिखा हुआ है इन्वायरमेंटल डिबेट, यानी पर्यावरणिक वाद विवाद का आज मुख्य विषय बन गया है कि कैसे आज की डेट पे मौसम इतना बदल गया है। ठंड के टाइम एकदम ठंड नहीं आती, गर्मी के टाइम एकदम गर्मी नहीं आती, सारे सीजन जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गए। तो इसके बारे में सिर्फ रीज़न क्या है, ह्यूमन ने जो डेवलपमेंट किया कहीं ना कहीं उससे नुकसान हुए, बहुत सारे नुकसान हुए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही बताते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या ऐसा होगा कि एक दिन पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर इस तरह से इतना पल्यूट हो जाएगा, इतना प्रदूषण फैल जाएगा, तो क्या पृथ्वी बचेगी, शायद हाँ या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमें राइटर यहाँ बताती है इस लाइन में, वही लाइन रिपीट हो रही है, देखिए। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, अंटार्क्टिका इज द प्लेस। लेकिन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर अगर अर्थ का जानना हो तो अंटार्क्टिका में जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट पर बात की गई है, उस पॉइंट को बोला है द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के थ्रू ये गए हैं जिसका नाम है स्टूडेंट ऑन आइस, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें ये हाई स्कूल के बच्चों को लेके गए हैं। किसको लेके गए हैं, हाई स्कूल के बच्चों को। और जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है इसको कौन कराता है, इसको जो कराता है उसका नाम है जॉब ग्रीन। जॉब ग्रीन एक व्यक्ति है जो अंटार्कटिका में हाई स्कूल के बच्चों के, जैसे अलग अलग जगह से जाते हैं तो लोग लेके जाते हैं टीम्स, जैसे गाइड का काम करता है, उन्हें वहाँ घुमाता है, ठीक है। तो ऐसी वो व्यक्ति है जॉब ग्रीन। तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल के बच्चों को लेके गए थे। हाई स्कूल के बच्चों को क्यों लेके गए थे, क्योंकि उन्हें अपने रियलिस्टिक हुआ जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड, जो अभी हमारे इन्वायरमेंट में जो खराबियाँ चल रही हैं उसके रीज़न, उनके कारण किस तरह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिखाने के लिए अंटार्कटिका ले गए हैं कि देखो कैसे बर्फ़ के पहाड़े गिर रहे हैं, धीरे धीरे बर्फ़ पिघल रही है, इसी वजह से जो वातावरण है उसमें अब धीरे धीरे गर्मी आने लगी है। तो हमें ये सब चीज़ों को सेव करने के लिए एक मैसेज लेके जाना पड़ेगा अंटार्कटिका से और लोगों के बीच फैलाना पड़ेगा। लेकिन हाई स्कूल के बच्चों को क्यों ले गए हैं, यहाँ क्वेश्चन भी कई बार आता है, इसलिए लेके गए हैं क्योंकि ये उम्र काफ़ी, आप जानते हैं कि काफ़ी इनोसेंट एज होती है, काफ़ी ऑब्जर्व करने वाली एज होती है, काफ़ी इवेल्यूट करने वाली एज होती है, हर सवाल और उसका जवाब ढूंढना इस वक्त नॉर्मली रहता है। तो हाई स्कूल का बच्चा जो है चीजों को समझ सकता है और आके लोगों को बीच एक मुहिम चला सकता है कि देखो अंटार्कटिका, जो कि क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तभी आप उस पर भरोसा करते हैं। अगर बच्चों को अंटार्कटिका ले जाया जाए, दिखाया जाए कि ऐसी स्थिति है, देख लो, अब आप बताओ पोल्यूशन फैलाओगे, तो इस कंडीशन को समझेंगे और लोगों के बीच प्रचार प्रसार करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हाई स्कूल के बच्चों को लेके गए थे। साथ ही साथ बताया गया कि अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो बायोडायवर्सिटी जो है वो एकदम लैक है, यानी वहाँ पर जैव में विविधता नहीं है। देखिए बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता, यानी जैव में पाए जाने वाली या जीवों में पाए जाने वाली विविधता, लेकिन वहाँ तो इतने प्रकार के जीव रहते ही नहीं है, तो कहाँ से विविधता, इसलिए लैक ऑफ बायोडायवर्सिटी बताया गया है। और वहाँ का जो इकोसिस्टम है, यानी जो इकोसिस्टम यानी खाना बनाना मतलब जो जानवर अपने लिए बनाते हैं, आपको पता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला, एक जानवर दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो वहाँ पर तो सिंपल इकोसिस्टम है क्योंकि इतने सारे हैं ही नहीं जीव, ठीक है। वहाँ पर एक वर्ड का डिस्कशन किया गया है, फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन क्या है, कई बार पूछते हैं, फाइटोप्लैंकटन है सीज ग्रास, यानी समुद्र में होने वाली घास, जिसको सिंगल सेल्ड प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है, यानी एक कोशिकीय पौधे। ये क्या है, ये जो 6 महीने बीच में सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी वहाँ आती है उससे भोजन बनाते हैं, और इसी से जो है पोषण प्राप्त होता है, वहाँ जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो इनको खाते हैं, ठीक है। और एक डिस्कशन किया गया है, वहाँ पर सील्स रहती हैं, ठीक है, सील्स की स्पेलिंग मैं एक बार क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पर। वहाँ पर कुछ जानवरों का डिस्कशन किया गया है, सील्स, SEALS, सील्स एक प्रकार से मछली जैसी होती है, काली काली, ठीक है, तो वो वहाँ पर रहती है, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। और ये लोग टोटल कितने थे, 52 लोग थे, ठीक है। तो होता क्या है, अब लास्ट इसका आ गया है, लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि ये लोग जो है फाइनली इनको एक इसमें हेडिंग है आपकी वॉक ऑन द ओशन, यानी ओशन पर इनकी वॉक। तो फाइनली एक बार क्या होता है, जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं तो एक जगह पर इनका टायर फंस जाता है इनकी गाड़ी का, इनके व्हीकल का, ठीक है।
तो टायर फंस जाता तो इनको उठना पड़ता है, और कैप्टन कहता है कि आपको उतरना पड़ेगा। और उसके बावजूद ये गाड़ी से तख्ते निकालते हैं और उसको बर्फ़ के ऊपर रखते हैं और बर्फ़ पे आते हैं। तो देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बर्फ़ की जो है स्लाइड्स वहाँ पर पड़ी हुई है, और इतना गहरा लगभग 100 मीटर नीचे पानी होगा वहाँ। मतलब आप जानते हैं ना कि बर्फ़ के नीचे पानी होता है, और वो पानी इतना खारा है कि उसको पिया भी नहीं जा सकता। तो ये लोग एक अपने लिए, हालांकि सेफ्टी के लिए, अपने ग्लव्स वगैरह, इनके पास फ्लैश होता है, फ्लैश लाइट्स आप जानते हैं, टॉर्च वगैरह, ठीक है, ये सारी सुविधाएं अपने साथ लेके जाते हैं। और वहाँ का जो है एक विजुलाइजेशन करते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसी स्थिति है अंटार्कटिका की वर्तमान में, ठीक है, और किस तरह से वहाँ के जो पहाड़ हैं वो कैसे गिर रहे हैं, धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि यार जिस तरह से आज की कंडीशन है, जो हमारे अर्थ पे हम लोग जो कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो, तो जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा अगर ये पूरी बर्फ़ ही ख़त्म हो गई तो फिर जो ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, आपको पता है मौसम, आपने मानसून सुना होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे ठंड शुष्क एरिया से ही वो हवाएं चलती हैं और हमारे तक आती हैं। लेकिन अगर ये बर्फ़ ही समाप्त हो जाएगी तो किस प्रकार से वो ठंडी हवाएं आएंगी? फिर तो चारों तरफ वातावरण सिर्फ हॉट टेम्परेचर का होगा, जिसमें कि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। फिर यहाँ इन्होंने डिस्कशन किया है कि डायनासोर की तरह कहीं हम भी एक दिन मर ना जाएँ, क्योंकि जैसे डायनासोर अब विलुप्त हो चुके हैं, कहीं इंसान भी ऐसी पोल्यूशन की वजह से एक दिन समाप्त ना हो जाए। देखिए लास्ट कटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ बुक की, जहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉक ऑन द ओशन लिखा हुआ है ना, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वहाँ पर उतरते हैं। टोटल ये 52 लोग होते हैं, 180 मीटर नीचे जो है बर्फ़ की स्लाइड्स के नीचे एकदम सॉल्ट वाटर होता है, जिसे आप नमकीन पानी या खारा पानी कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे बता रहे हैं कि जो वहाँ सील्स हैं, इसमें ये भी बताते हैं कि जो सील्स हैं, यानी मैंने आपको बताया ना मछली के जैसी ही होती हैं, मैं आपको फ़ोटो ही दिखा देता हूँ उसके, जिसके कि आपको याद रह जाए कि इनको बताया था सर ने सील्स, ये देख रहे हो, ये हैं सील्स, ये पाए जाते हैं वहाँ। ये बता रहे हैं कि जब हम यात्रा कर रहे थे तो हमने देखा कि सील्स वहाँ आराम से बर्फ़ की जो परतें हैं उनमें लेटे हुए हैं, ऐसा लग रहा था जैसे धूप सेक रहे हो, ठीक है, ऐसी उनको फीलिंग आ रही है इनको देख के। तो इसी फीलिंग को उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। तो यहाँ पर कुछ लाइनों को जानना जरूरी है, वो कह रहे हैं कि कहीं हम भी ह्यूमन इसी तरह से फिनिश ना हो जाए जैसे डायनासोर्स हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और की गई है, वुली रिनोज, तो जो वुली रिनोज होते हैं इनको हम कहते हैं, जो गैंडा आपने देखा होगा, ठीक है, ऊनी गैंडे को कहते हैं रिनोस, ठीक है, रिनोस कहते हैं वुली रिनोस जो है वो, जिनसे आप वो भी निकालते हैं जिनसे स्वेटर वगैरह ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनकी ऊन निकाली जाती है, तो उनकी तरह कहीं हम भी तो समाप्त नहीं हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो टीनेजर हैं, ठीक है, टीनेजर जो हैं, टीनेजर आपको मैंने बताया था कि कौन होते हैं, कि वो लोग इस चीज़ को समझें और साथ ही साथ इस विचार को जो है लोगों के बीच ट्रांसफ़र करें। क्योंकि आप जानते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों को समझने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत पल भर में समझ में आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हाई स्कूल के स्टूडेंट को ले जाना सिर्फ यही एक मोटिव था कि जिससे ये लोग इतनी अर्ली एज में इन सभी चीज़ों को समझ पाएँ। तो मे बी आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। स्टोरी क्या है, ये एक जर्नी है, जर्नी के बारे में डिस्कशन है, इंसिडेंट्स हैं, डिफरेंट वे में इसको डिस्क्राइब किया गया है। आप लोग इसे फिलहाल ऐसे समझ लें, जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी वो मैं स्कूल में आपको बता दूंगा, क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू आपको जल्दी मिल जाएंगे। फिलहाल बच्चों आप अपनी तरफ से तैयारी रखें, 6 मंथ ऑलरेडी इज़ ओवर, अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो आप प्रेपरेशन करें, जहाँ प्रॉब्लम होती है पूछें किसी क्वेश्चन का, कोई मीनिंग का, या रिलेटेड आपको ट्रांसलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टोरी से प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए ये वीडियो बहुत डिफ़िकल्टी से मैंने बनाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस तरह के जो लेसन होते हैं आर्टिकल से रिलेटेड, इनको डिस्क्राइब करना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि यूट्यूब पर आपको 5-5 मिनट के ऐसे मिलेंगे, बट उनमें सारी बातें आपको नहीं मिलेंगी। 20 मिनट में मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैंशन कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और प्लीज़ क्वेश्चन आंसर को जल्दी जल्दी कीजिए। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेसन थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।